हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज है ट्यूसडे और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं अभी सुबह के, तो मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। सुबह ब्लॉग बनाना शुरू कर देना तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर सारा दिन भर आलस आता है और सोचते रहते हैं कि अभी बनाएंगे थोड़ी देर बाद, और फिर आलस आ जाता है, फिर इच्छा भी नहीं होती है। तो आज तो नाश्ते में है बड़ा पाव, क्योंकि फिर मार्केट गए थे ना तो वो बड़ा पाव ले आए। काफ़ी टाइम के बाद आज बड़ा पाव खाएंगे हम लोग, क्योंकि नहीं खा रहे थे, बीच में बंद कर दिया था। तो आज तो काफ़ी टाइम के बाद लेके आए हैं, और उसके बाद मैं करूँ ब्लैंकेट को वॉश करूँगी, हैंड वॉश करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी उसकी कि आप ब्लैंकेट हैंड वॉश करके दिखाइए किस तरह से करते हैं। तो मैंने सोचा चलिए आज ये रिक्वेस्ट को पूरा कर देती हूँ। तो चलिए, और उसके बाद फिर मैं मशीन भी लगाऊंगी, क्योंकि बाकी के कपड़े भी धोने हैं मुझे। और चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं ब्लैंकेट धोऊंगी। मैं आपको फिश दिखाती हूँ। कितनी सुंदर लगती है ना। बहुत अच्छे लगते हैं, पानी में इस तरह से चलती रहती है ना सारा दिन भर। इनको देख के ना टेंशन भी बहुत कम होती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इनको बैठ के इस तरह देखते रहो ना, बहुत माइंड फ्रेश होता है। पूरा दिन भर रात भर चलती रहती है। ये देखिए, ये तो छोटी सी है अभी। फिर मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो यही हमारा आज नाश्ता है, ये बड़ा पाव, और ये है वड़े, और ये खम्मन ढोकला, बहुत टेस्टी था ये भी, और ये चटनी है, और ये फ्राई की हुई हरी मिर्ची, और ये पाव है। तो आज हम यही ब्रेकफास्ट में करेंगे। और ये ब्लैंकेट है तो इसको ही मैं आज वॉश करूँगी। और यहाँ पे मैंने टब में पानी डाल लिया है पहले, और उसमें ये सर्फ डालूँगी, और मैं सर्फ एक्सेल ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, तो काफ़ी अच्छा रहता है ये कपड़ों के लिए ना, तो इससे कलर जाता है और शाइन भी बहुत अच्छी आती है, मुझे तो काफ़ी पसंद है ये। और अब मैं इसको अच्छे से खंगाल लूँगी ताकि सर्फ जो है वो पानी में मिक्स हो जाए। और ये वाला गेम किस किस ने खेला है? मैंने तो बचपन में बहुत ज़्यादा खेला हुआ है, जब मम्मी कपड़े धोती थी ना तो इस तरह से हम भी उड़ाते थे, तो वही मुझे धोते धोते याद आया, इस तरह से झाग बनाना और उसके बैलून बना के उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। और ये सुबह का क्लिप है, मैंने इसको पहले ही भिगो के रख दिया था ताकि थोड़ी देर ये इस तरह ही सर्फ में रहेगा ना तो बाद में आराम से धुल जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने इसको आधे एक घंटे के लिए इसको ऐसे ही भिगो के रख दिया था, और उसके बाद मैं बाकी के काम कर लूँगी। और थोड़े बहुत जो कपड़े थे मैंने वो भी धो के सुखा दिए थे। और ये कुछ मेरी कुर्तियाँ हैं, इनको मैं हैंड वॉश करूँगी आज, क्योंकि ये थोड़ा वाइट कलर है ना तो दाग लगने का टेंशन होता है मुझे थोड़ा बहुत, तो दाग न लग जाए इन पर, तो इनको भी मैं हैंड वॉश ही करती हूँ। तो पहले मैं ये धो लूँगी और उसके बाद फिर मैं ब्लैंकेट को धोऊंगी। और ये मेरा वाइट प्लाजो है, काफ़ी अच्छा लगता है ये भी मुझे पहनने में। इसके साथ ये ग्रीन वाली कुर्ती है तो ये भी बहुत अच्छी है। अभी वैसे मेरा थोड़ा वज़न कम हो गया है तो सारे कपड़े मुझे वापस लूज़ हो रहे हैं, तो इसको भी मुझे सिलाई लगाना पड़ेगा थोड़ा सा कमर के पास।
और ये सारे कपड़े भी मेरे धुल गए अभी, और अब मैं इनको साफ पानी में अच्छे से निकाल दूंगी एक दो बार, और उसके बाद फिर मैं इनको सुखा दूंगी धूप में। इस तरह से दो तीन बार पानी में निकाल देना है इनको। और जो ब्लैंकेट मैंने पहले भिगो के रखा था, अब इसको पहले मैं हाथों से अच्छी तरह से ऐसे मलूंगी। थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन पहले भिगो के रखेंगे ना तो इजी हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। और अब मैं पैरों से इसको इस तरह से अच्छी तरह से मलूंगी पैरों से ना, बहुत आसानी से धुल जाता है ये। हम बचपन में ऐसे करते थे, जब हम छोटे थे ना तो हम ऐसे किया करते थे, बहुत मज़े आते थे उस टाइम पे। तो और घर में ना आंगन में मिट्टी लगाने के लिए भी इस तरह से ही बनाते थे, बहुत मज़ा आता था उसको बनाने में भी ना। आंगन में मिट्टी लगाते हैं तो गोबर और पता नहीं भूसा मिट्टी डाल के इस तरह से पैरों से मलते हैं उसको, वो करने में भी बहुत मज़ा आता था बचपन में। तो बहुत किया है, बहुत ज़्यादा ही किया है हम लोगों ने, सब बहन भाई लग जाते थे उस टाइम पे। तो आप लोगों ने किस किस ने देखा है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने तो बहुत किया इस तरह से, बहुत अच्छा लगता था। और बताओ मेरा कंबल भी धुल गया, और अब मैं इसको अच्छे से साफ पानी में निकाल दूँगी, कम से कम 4-5 पानी में तो निकालूँगी इसको, ताकि इसका सारा ही सर्फ है और मैल जो है, देखिए कितना गंदा पानी निकलता है, ये भी निकल जाए। और हिमाचल जाऊँगी ना तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर, क्योंकि हिमाचल है ही इतना खूबसूरत, क्या ही बताऊँ वहाँ की बातें, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। तो देखिए बस इसी तरह से इसको हम हाथों से ऐसे मलते रहेंगे, और जो भी इसमें सर्फ होगा उसको निकाल देंगे अच्छी तरह से। तो बस मैंने 4-5 पानी में इसको निकाल दिया, एक बार और लास्ट टाइम निकालूंगी, और उसके बाद फिर मैं इसको जाली वाले टब में डाल के रख दूंगी ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो धुल गया है और इसका पानी भी निकल गया। मैंने काफ़ी देर इसको ना ऐसे ही रखा था टब में डाल के, तो सारा पानी निकल गया इसका, और अब ये अच्छे से सूख जाएगा। काफ़ी धूप है आज तो, वैसे देखिए कितना सुंदर हो गया, एकदम साफ ना। पूरा अच्छे से सूख चुका है, और ये वाला प्लांट भी मेरा काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है अभी आजकल तो। ये देखिए बहुत सुंदर लगता है ये भी। हम इसका ये वाला पत्ता सूख रहा है तो इसको निकाल दूंगी मैं। तो बस इसके साथ ही करूँगी वीडियो का एंड, और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा बेल आइकन के साथ, और फुल वॉच भी करिएगा ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए, और बेल को ना ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर पाओ। तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू।